टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने जीत हासिल की है। आज उनके द्वारा मंदिर और दरगाह पर माथा टेका गया और उनके घर पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने कहा कि जनता ने उन्हें सरकार में विपक्ष की भूमिका सौंपी है, उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाया जाएगा और विकास के मुद्दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी और टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट है उनका समर्थन न करें, उनको जो है उनका जनता के सामने प्रकट करें और विधानसभा में मामले उठाएंगे। चैंसलर हर मामले में क्षेत्र के विकास के लेकर आपने क्या सोचा है, क्या विकास के लिए हमारा जो कमिटमेंट था कि हमें किसान डाइवर्सन के ऊपर काम करना है, हमें जो है यहाँ के मीडिया में तो तब तो हमें विधानसभा का अधिकार मिल गया ना, विधानसभा के माध्यम से हमें संवाद करना है और सरकार को मजबूत करेंगे कि सरकार हमारी बात करना है। हम कोई पहली बार विधायक करके तो जा नहीं रहे, पाँच ही बात है, हमें मालूम है किस तरीके से सरकार को भेजना है। नगर की जनता ने आपको जिताया है, साथ में लगी है नगर पालिका भी आपके हाथ में, तो नगर के लेकर क्या आप विकास के मुद्दे रहेंगे जो अभी अच्छा मजबूरी है वो कैसे पूरे किया जाएगा? नगर पालिका का वोट में तैयार है, अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो MLA थे वो काम नहीं करने दे रहे थे। अब थोड़े से जैसे हमारे नगर पालिका में चुनाव में नगर पालिका में हाफ और विधानसभा में साफ, दोनों स्थिति निर्भर हो गई। अब काम करने का जो है अवसर हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।